जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। आप लोगों को लगता है जितनी मेहनत की थी, जितना परिश्रम किया था, उसका फल मिला? बिल्कुल, ये तो भगवान की दया है कि तीसरे हफ्ते फिल्म चल गई एंड पहली बार भोजपुरी में भी इतना लंबा चलना कहने की बात है कि बाकी फिल्में भी के बावजूद भी हमारी फिल्म एक्सटेंड हो गई थर्ड वीक। प्रमोट किया गया बिहार में काफी ज्यादा, आप लोगों ने मेहनत की, अब मुंबई में कर रहे हैं, आप इसके बाद जा रहे हैं, आगे क्या क्या शेड्यूल है सिद्धार्थ जी? आगे अभी यहाँ के थिएटर विजिट्स हैं एंड देन मुंबई के बाद नाउ वी विल आल्सो ओपन इन पुणे, पुणे में भी आज खुली है एंड इसके बाद हम डिजिटल पे जाएंगे, सैटेलाइट राइट्स वगैरह ऑनलाइन इसको कहाँ से सेल करना है, नेटफ्लिक्स या बाकी चैनल पोर्टल्स के थ्रू। और सिद्धार्थ जी, जब ये फिल्म चली, कलेक्शंस अच्छे आए, रिव्यूज अच्छे आए, ऑडियंस का रिएक्ट अच्छा आया, चोपड़ा परिवार में क्या बात है, आपकी सिस्टर प्रियंका जी ने क्या कहा या मधु मैडम ने क्या कहा? यही बात कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी में हमारी फिल्म इतना बढ़िया चल गई है एंड प्रियंका तो हमेशा चाहती है कि फिल्म बहुत क्लीन हो और ये फिल्म काफ़ी क्लीन है एंड हमारे मुद्दों के साथ अभी हम सब्सिडी की भी बात कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट के साथ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और हमारी फैमिली बहुत खुश है। ये फिल्म तो आ गई है, काशी मनाथ आ चुकी है, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी पीपीपी के लिए तो हमारा एक पंजाबी फिल्म डेवलपमेंट में है, एक एसमीज फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी चालू हो गया है, साथ में बंगाली फिल्म्स भी डेवलपमेंट में हैं और भोजपुरी भी आगे एक और फिल्म हम लोग प्लान करने की सोच रहे हैं। सेम स्टार कास्ट और समथिंग न्यू? देखेंगे, अभी तो बहुत कच्चे स्टेज में है, बट आगे एक और भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं। थैंक यू।